कितना सुंदर लग रहा है, क्या ब्यूटी। दीदी यहाँ पर हाथी शेर वगैरह निकल, यूपी से आ रहे तो पनीर का सब्जी हो जाएगा आज। मैं समझ रहा हूँ भाई, आप खुद देख लो, ऑफ है, ऑन थोड़ी है। So hey guys, welcome back to my new vlog. I hope guys आप लोग बहुत अच्छे होंगे। So guys आज है 11 तारीख, किस happy promise day। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ बिहार, हाशीमारा से कुछ बिहार जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ से आई थिंक 50 किलोमीटर है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस कौन कौन जा रहे हैं आप सबको बता दें, सीट बेल्ट। हाँ भाई, तो कौन कौन जा रहे हैं आप सबको बता दें। तो गाइस हियर इज सुरेश भैया, से हाय। और यहाँ मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर शिवम, और यहाँ पर शिवम भैया है, और हियर इज मोनू भैया। हम लोग जा रहे हैं कुछ बिहार, और वहाँ पर एक बहुत सुंदर राजबाड़ी है, आप सबको पता ही है क्योंकि मैं बहुत पहले भी एक ब्लॉग बना चुका हूँ। हेलो, अरे मेरे भाई क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आज फाइनली आ रहा हूँ कुछ बिहार, तो सोच रहा हूँ कि तुझसे भी मिल लूँ और तेरा घर भी देख लूँ, क्या बोलता है तू? ठीक है, और सुन ना ये, बट मैं आ रहा हूँ तो एक दिन का प्लान है मेरा, मैं रुकूंगा वहां पर। ठीक है ठीक है। रूम खाली है ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 लोग हैं हम लोग, क्या हम 5 लोग हैं, तो हमें एक, हम एक रात रुकेंगे। ठीक ठीक। यूपी से आ रहे तो पनीर का सब्जी हो जाएगा आज? हाँ अभी नहीं, अभी नहीं, रात को, रात को हम लोग तो आज घूमेंगे ना पूरा राजबाड़ी ये घूमेंगे, फिर रात को पनीर की सब्जी हो जाएगा, क्या बोलता है? हाँ, देखते हैं। चल बहुत बढ़िया। अच्छा सुन, मैं कुछ बिहार पहुंच कर तुझे कॉल करूंगा। उसके साथ हल्का सा प्रैंक कर रहा था। आगे मोर है, मोर कहाँ है, कहाँ मोर है? जैसे ड्राइविंग करते है ना, अगर हम ऐसा शूट करेंगे इनका ड्राइविंग तो शॉर्ट्स में बहुत वायरल होगा, इतना खतरनाक के ड्राइव करते हैं जी। भैया आपका तारीफ कर रहा हूँ, थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू सर। तो बाइक ड्राइविंग देखा ही नहीं है। अरे गाइस राइडर भी है और ड्राइवर, सॉरी राइडर भी है और ड्राइविंग भी बस करते हैं हम लोग को। ये जंगल अभी क्रॉस करते करते कम से कम क्या कितना मिनट हो गया होगा, 10-15 मिनट से ऊपर ही हो गया होगा ना? 20 मिनट हो गया गाइस ये जंगल क्रॉस करते, आप देख सकते हो स्टिल अभी हम लोग जंगल क्रॉस नहीं किए, क्योंकि ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है, चिलापता फॉरेस्ट। भाई साहब डेंस जंगल है, बहुत घना जंगल है ये, और हमें यहाँ पर हाथी और शेर वगैरह ये सब देख सकता है, और हाथी है गाइस, हमें पॉटी भी दिखा है यहाँ पर रास्ते में। अभी हम लोग यहाँ पर गाड़ी रोके हैं जंगलों के बीच में, और यहाँ पर मोनू भैया को फोटो शूट करने का मन किया यहाँ पर, ठीक है, इनको पता नहीं कि यहाँ पर हाथी कहीं से भी निकल सकता है क्या। अभी गाइस यहाँ पर कुछ हमारे लोग आ रहे हैं, इनसे जरा पूछा जाए। दीदी यहाँ पर हाथी शेर वगैरह निकलता है ना? निकलता है गाइस, हमने पीछे देखा था। अच्छा फोटो शूट करते हैं हम लोग, चलो चलो। ऐसा मत करो। दीदी यहाँ पर हाथी वगैरह नहीं है? अरे उसको उधर घुमाओ, गजब बेइज्जती है। घुमाओ, क्या हो गया इसको? मोबाइल को उधर घुमाओ, ये यही घुमा हुआ है दीदी, देख रहे हो इधर ही साइड है, इधर साइड है तो ठीक है यार, ऐसा रोड में ऐसा ये ऐसे भाई का ना, वो को मन है साथ। चलो कोई नहीं। So finally guys, हम लोग कुछ बिहार पहुंच चुके हैं और राजबाड़ी के सामने पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है राजबाड़ी का टिकट काउंटर, और फिलहाल अभी हम लोग है पार्किंग जोन में, तो हम लोग अपनी पंच को यहाँ पर पार्क कर दिए, तो फटाफट यहाँ पर टिकट लेते हैं। आई थिंक ऑनलाइन करना पड़ता है, तो ऑनलाइन करते हैं, और फिर ऑफलाइन हो गया अभी, चलो सही है फिर तो। सो ये रहा मोनू भैया एंड शुभम भैया भी पार्क करके आ चुके हैं, फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं राजबाड़ी के अंदर, और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं अभी राजबाड़ी के पास, महल में राजबाड़ी गाइस, इन द सेंस राजा का महल, और अभी आपको दिखाते हैं। सो हियर इज राजा का महल, दूर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, अभी पास चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं। सो भैया कैसा लग रहा है आप सभी को राजा का महल? वैसे तो हम लोग देख चुके हैं, मोनू भैया आप बताओ स्पेशली आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको भैया? ऐसा आपने क्या देख लिया महल में जो आपको बहुत अच्छा लग गया? सामने से लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। सुरवीर मिश्रा। हाँ सुरवीर मिश्रा। ओके तो गाइस अभी चलते हैं, और अंदर में कैमराज अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे यहाँ पर रील्स वगैरह शूट कर रहे हैं, आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर रील्स भी शूट कर रहे हैं, तो गाइस हम भी रील्स यहाँ शूट करेंगे और फिर निकलेंगे।
हम लोग एकदम सामने आ चुके हैं। कितना सुंदर लग रहा है, क्या ब्यूटी। अच्छा तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं एंटर करना है, यहाँ से भी एंटर करना है और कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये देखो, ये है महारानी इंद्र देवी, ये महारानी जी है। इंदिरा देवी क्या है? इंदिरा देवी, ठीक है ये। और राजा को देखेंगे, आइए राजा वो रहे यहाँ के महाराजा जी, जितेंद्र नारायण। देख रहे हैं, मेरा नाम देख रहे हो, नाम सुन के लगता है कि राजा है। ये हाथी है, देख रहे हैं हाथी का पूरा, ये पूरा रियल है, रियल। तो अभी हम लोग ऊपर की चढ़ाई कर रहे हैं। भैया आपको कुछ मतलब ऐसा कुछ भनक हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है, वाइब आ रहा है क्या आपको कि यहाँ पर राजा रानी लोग कुछ रहते थे? आप कुछ कुछ नहीं होगा, खटकने का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं चलने की बात नहीं पता चल रहा है। आइए जल्दी जल्दी आइए आप लोग। ये देखो यहाँ पर, चलिए गार्डन में, कितना अच्छा लग रहा है ना गार्डन। गाइस ये है रॉयल सोफा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन बैठे थे, महाराजा जी बैठे थे, महाराजा राजेंद्र नारायण। ये रहे स्ट्रक्चर है ना पूरा महल का, राजवाड़ी का। और ये सब एंटिक एंटिक पीसेस है, सब क्या है, कॉइन्स है क्या? आर्मी मेडल्स। अच्छा मेडल्स भैया, बंद है ये, इतना बड़ा पॉकेट में कैसे जाएगा, ये पॉकेट में कैसे जाएगा, बड़ा है ना भैया, ऑफ है, बोल तो रहा हूँ, देखो ऑफ है, कैसे रखो पॉकेट में भाई, इतना बड़ा है। मैं समझ रहा हूँ भैया, आप खुद देख लो ऑफ है, ऑन थोड़ी है, इनका पॉकेट में दीजिए ना। पर 40,000 का रखूँगा, बाई चांस कुछ स्क्रैच वगैरह आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इससे मैं अभी हाथ में पकड़ा उसको। तो फोल्डर ये देख रहे चम्मच भाई, डिज़ाइन भाई, डिज़ाइन की चम्मच है भाई। इससे पक्का वो अपने बच्चों को खिलाते होंगे। फाइनली हम लोग राजबाड़ी घूम चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं तन्मय का घर पे, एंड अभी टाइम हो रहा है 4:30। भैया कैसा लगा आपको राजबाड़ी घूम के? बहुत अच्छा लगा गाइस। सुबह में तो गार्डन में जाके सो गया था। हाँ सुबह में गाइस की आंखों से आप देख सकते हो। और यहाँ है हमारे तन्मय जी। तन्मय जी चलते तुम्हारे घर पे अभी, ठीक है? और गाइस बोल रहा था गाइस काफी प्यारा घर बनाया है, चल के देखते हैं उसका घर भी। चलो सो ये रहा गाइस तन्मय का घर, और ये अभी नया घर बनाया हुआ है, काफी प्यारा बनाया है सच्ची। तो यहाँ आप देख सकते हो, तन्मय पता है मैं भी ना कुछ इसी टाइप का ही सोच रहा हूँ बनाने का, बट क्या करे जमीन नहीं है ना। थोड़ा सा गेट और बड़ा करता ना सही हो जाता, बट चलो कोई नहीं। बट क्या वाह, सबसे बढ़िया क्या है यहाँ पर, एक तुलसी जी का वो बना दिया है, सही है। पता तन में अभी ये कलर क्या अभी रिसेंटली हुआ, क्योंकि जो तो वीडियो भेजा था ना, वीडियो में कलर नहीं दिख रहा था। रिसेंटली क्या किया तो था। ओके अरे वाह गाइस, बहुत सुंदर बनाया है भाई घर तो, लवली। हियर इज आंटी, और आंटी कैसे हो आप? कैसे आंटी ये बताओ, केवल अच्छा आंटी बस एकदम। आंटी घर टा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर घर बनाया आपने। हाँ सो गाइस फाइनली हम तन्मय के घर पे आ चुके हैं, और अभी
बातचीत करते हैं तन्मय से। चलो बैठ भाई, अपना ही घर समझ, अपना ही घर। मस्त बना, इंटीरियर भी बहुत अच्छा यार, बहुत सुंदर कर दिया। 3 BHK 4 BHK है? 4 BHK। आजा दिखाता है ना। चलो यार देख लेते हैं। ओ भाई है ना बेड। अरे वाह, किचन बहुत प्यारा बनाया है। अच्छा ये तेरा रूम है? तेरे रूम में अभी बेड नहीं आया? बेड अभी नहीं आया, यही वाला बेड से डर है। अच्छा सबका जो थीम है सेम रखा है ना? कोई नहीं बोल पाया कि मेरा अलग है तेरा अलग है। नहीं सही किया ये चीज। और ये मेरे पापा का है। काका तो नहीं है। अच्छा मतलब गेस्ट रूम जैसा हो गया। गेस्ट रूम। कॉफी एंड बिस्किट। थैंक यू सो मच। तन्मय की मम्मी आंटी जी का, आंटी जी अंदर है। तो भाई फटाफट हम कॉफी पीते हैं और फिर निकलते हैं। फाइनली अब टाइम आ गया है घर जाने का। सो थैंक यू सो मच तन्मय, बहुत अच्छा लगा भाई। भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। ओके अंकल, ओके आंटी, बाय। सो गाइस बहुत अच्छा लगा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो बच गया है और पहुँचते पहुँचते हमें भी रात हो जाएगा, तो अब निकलते हैं हम लोग भी। चल तन्मय, बाय बाय आंटी, मिलते हैं। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, तेरा सपने मैं तुझको दे दूंगा।